अंदाजा हुकुम, पाड़गिया निकलने को तैयार है। आज रात तक हमें कल सुबह जब खिलजियों के सारे सैनिक नमाज पढ़ रहे होंगे तब रावलसा तक पहुंचना आसान होगा। ये आप क्या कर रही हैं रणीसा? खिलजी दुर्ग का नक्शा। जब राजपूत केसर या बाना पहनता है तो दुश्मन का आंगन लाल हो जाता है। सुल्तान मुबारक हो। नमकूल, जख्म संभालो। खुशखबरी है, चित्तौड़ से पालकियां हमारी सरहद तक पहुंच चुकी हैं। कल सुबह तक रानी पद्मावती आपके रूबरू होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई भी तो ऐसे वक्त पे जब हम उनका इस्तकबाल करने के काबिल नहीं। इत्मीनान रखिए सुल्तान, मैं खुद उन्हें आप तक पहुंचाता हूँ शान और शौकत के साथ। नहीं, आप नहीं। सुल्तान की गैर मौजूदगी में हम उनका इस्तकबाल करेंगे, आप नहीं। अगर सुल्तान चाहे तो। हम भी नहीं चाहते कि रानी पद्मावती पर किसी और मर्द का साया पड़े। ये मुनासिब है। बहुत खूब। मलिकाए जहां महारानी जी का इस्तकबाल करेंगी। वाह। चित्तौड़ की रानी से कह दीजिए कि मलिकाए हिंद मेहरुनिसा उनके इस्तकबाल के लिए हाजिर हैं। नूरे इलाही, आप ऐसी खूबसूरती तो फरिश्तों का भी ईमान बदल दे। सुल्तान तो सिर्फ इंसान है और गुनहगार भी। शर्त के अनुसार हम पहले रावलसा से मिलेंगे और जब तक वो रिहा नहीं हो जाते गोरा सिंह जी और सुजान सिंह जी हमारे साथ रहेंगे। तशरीफ लाइए। सारी दासियां पालकियों से बाहर आ जाएं। घायल दिल के अलावा हमारे और कोई घाव तो नहीं दिख रहे ना? ख्याल रहे, जब रानी साहिबा महल में आए ना कोई सिपाही ना कोई पहरेदार। इत्मीनान रखिए हुजूर, आपकी तन्हाई बिल्कुल महफूज रहेगी। मल्लिका साहिबा तस्लीम अर्ज करती है ये हजूरिया। शत्रु के डर से मैं भरने घुटने टेकती है नहीं,
तो क्या आपने सल्तनत की शर्तें मान ली? नहीं। तो फिर आप यहां क्यों आई हैं? आपको छुड़ाने मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। हम यहां आ गए, मलिका भी नहीं रिहा कर दीजिए। यकीनन हजूरिया सुल्तान तक पैगाम पहुंचा दीजिए कि हम जल्द ही रानी पद्मावती को लेकर हाजिर होंगे। जी। हमारी बात पर गौर करें, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम आप दोनों को खुफिया सुरंग तक ले जाएंगे, उस रास्ते से आप यहाँ की सरहद पार कर लीजिए। हम पर ये उपकार क्यों? हम ये एहसान आप बने खुद पर कर रहे हैं। हम अपने सुल्तान को इस गुनाह अजीम से बचा रहे हैं। लिल्ला अब और वक्त जाया ना करें, नमाज पूरी होने को है। इससे पहले सिपाही आकर आपको गिरफ्तार कर ले रानी साहिबा, आप दोनों को यहाँ से निकलना होगा। रुकिए रानी साहब, हम अलाउद्दीन से मिलकर ही जाएंगे। उसे मुलाकात करने में आपकी जान को खतरा है। खतरा तो आपको भी है। हमारा अल्लाह निगेबान, पर आपको खुदा का वास्ता, आप इस इरादे से बाज रहे। मलिका मेहरुन्निसा, हम राजपूत हैं, कभी पीठ दिखा कर नहीं जाते। दरबार तक पहुंचे कैसे? कहा था हमने, चित्तौड़ से जो आंधी उठेगी उसे रोक नहीं पाएगा तू। बदनसीबी देखो हमारी, जब भी हम रानी पद्मावती से मिलने के ख्वाब देखते हैं तुम सामने आ जाते हो मनहूस। और बदनसीबी देखो तुम्हारी, आज तुम्हारी मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकते। मेहमान नवाजी निभाने लायक तो तू था ही नहीं कभी, अब दुश्मनी निभाने लायक भी नहीं रहा। तुम तो लायक हो। लो, आज फिर मौका है, उठाओ तलवार, उतार दो हमारी गर्दन। आज अगर तुमने हमें जिंदा छोड़ दिया रतन सिंह, खुदा कसम पछताओगे। किस्मत वाला है तू, तेरा दुश्मन एक राजपूत है। घायल और लाचार पर वार नहीं करते हम। कितने अच्छे हो तुम और कितने अच्छे हैं तुम्हारे उसूल। कुछ उसूल तू भी सीख ले अलाउद्दीन, इंसान बन जाएगा। मेरे अजीज, इश्क और जंग में कोई उसूल नहीं होते। बिना उसूल के तेरी इस जंग को इतिहास काले अक्षरों में लिखेगा। जला देंगे हम ऐसा इतिहास। इतिहास सिर्फ कागज पर नहीं लिखा जाता अलाउद्दीन, जिसे तो जला देगा। बस यही कहने आए थे, जिस दिन तलवार उठाने लायक हो जाएगा तू, उस दिन मिलेंगे मैदान जंग। जा रहे अपने गुरूर, अपनी रानी सा को साथ लेकर, तेरे ही घर से तेरे ही आंखों के सामने। वक्त लगेगा तेरे इस गांव को भरने में, तब तक हमारी तलवार अपनी गर्दन पर ही समझना। सुल्तान ने फरमान जारी कर दिया है, सिपाही किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। आप सब फौरन सुरंग के रास्ते से निकल जाइए। गोरा सिंह जी, चलिए। आप पधारो हुकुम, हम शत्रु की सेना को यही रोकेंगे ताकि आपका पीछा ना हो सके। चित्तौड़ में मिलेंगे। जय एकलिंग जी की। जय एकलिंग जी की।